चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। EVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ललित राठी आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने न्यूटन्स रिंग का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, उसमें हमने सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, सेंटर पॉइंट पर डार्क क्यों मिलता है वो हमने क्वेश्चन देखा था, न्यूटन्स रिंग के डायमीटर्स इन द रिफ्लेक्टेड लाइट और इन द ट्रांसमिटेड लाइट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। उससे रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है वो हम इस पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है कि जो न्यूटन्स रिंग के डायमीटर्स आए हैं उनकी एप्लीकेशन की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि कौन सी लाइट हमने यूज़ की है, उसकी क्या वेवलेंथ होगी, किस मीडियम में आपका सेटअप रखा हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा और सारी चीज़ें। और जहाँ पर हमने जो लेंसेज लिए थे, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन ग्लास प्लेट, अगर हम प्लेन ग्लास प्लेट को अदर टाइप के लेंसेज से रिप्लेस करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट हमारे डायमीटर्स पर पड़ेगा, और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है वहाँ से, वो चीज़ें हमें यहाँ पर अभी कवर करनी है। ठीक है, तो देखते हैं एप्लीकेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ यूज्ड सोडियम लाइट बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग, यानी कि न्यूटन्स रिंग की हेल्प से हमें जो सोडियम लाइट हमने यूज़ की है एक्सपेरिमेंट पे, जो सोर्स मैंने आपको सेटअप पे दिखाया था वहाँ से जो लाइट आ रही थी उसकी कितनी वेवलेंथ होगी वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने माना लेटस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट, जो हमने लाइट यूज़ की है उसकी वेवलेंथ लैम्डा मानी है, एंड dn एंड dn प्लस p, जैसा मैंने वहाँ पर बताया था dn क्या है, nth रिंग है चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, वैसे ही हमने एक इंट्रोड्यूस किया है n प्लस p, तो आर द डायमीटर्स ऑफ nth एंड n प्लस pth डार्क रिंग्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि dn nth रिंग का डायमीटर है और dn प्लस p n प्लस pth रिंग का डायमीटर है। अब n प्लस p का क्या फंडा है मैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर n और n प्लस 1 लिखता तो वहाँ पर क्या था, जो हमारी ये वाली रिंग है nth, माना हमने फिफ्थ रिंग मानी nth है, फिफ्थ रिंग है तो हमें नेक्स्ट कौन सी लेनी है, 6, ये कंडीशन हो जाती। बट यहाँ पर है n nth है और n प्लस pth है, n प्लस pth में हमारे पास कंडीशन नहीं है कि हमने अगर फिफ्थ ली है तो फिफ्थ के बाद हम 6 ही लेंगे या 7 ही लेंगे, हम वहाँ पर कोई सी भी रिंग का डायमीटर ले सकते हैं, फिफ्थ के बाद 8th ले सकते हैं, 12th ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, जहाँ तक हमारी रिंग्स बन रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका n प्लस pth का फंडा। ठीक, देन वी नो दैट द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसा कि मैंने डेरिवेशन आपको कराया है वहाँ से हम डार्क रिंग के लिए डायमीटर निकालते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट में, दैट्स डी एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4n लैम्डा आर। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि जो मैंने लिखवाया है डायमीटर फॉर द डार्क रिंग, आप अगर इसको ब्राइट रिंग के लिए करेंगे डेरिवेशन को तो भी आपको फाइनल रिजल्ट वही मिलेगा, आप ट्रांसमिटेड लाइट को कंडीशन मान के चलेंगे तो भी आपको फाइनल रिजल्ट वही मिलेगा, तो इस चीज़ में रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाएँ कि सर ने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डायमीटर डार्क या ब्राइट का लिया था, अब हमें का पता नहीं चल रहा है, कभी आंसर गलत हो जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं है। आप कोई सी भी रिफ्लेक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट या डार्क किसी के लिए भी कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सो द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग क्या हो जाएगा, डी एन इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द n प्लस pth डार्क रिंग। अब हमें जो n प्लस pth रिंग हमने ली थी उसका डायमीटर लिखते हैं इसी फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पे पुट कर देंगे n प्लस p, तो वो pth के लिए आ जाएगा n प्लस pth के लिए, तो देन वी गेट डी एन प्लस p इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में n की जगह पर हमने पुट किया n प्लस p ब्रैकेट क्लोज लैम्डा आर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सॉल्व आउट नहीं हो पाएंगी वैल्यू, तो इस पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट डी एन
प्लस पी का स्क्वायर माइनस टी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एन प्लस पी लैम्डा आर माइनस फोर एन लैम्डा आर। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन वी गेट फोर एन लैम्डा आर प्लस फोर पी लैम्डा आर। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर 4n lambda r प्लस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बी कैट 4p lambda r जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4p lambda r। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, तो दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4p r। दिस इज द wavelength of sodium light which used in the Newton's ring experiment। ठीक है, जैसा कि उसने पूछा था, वो पूछ लेता है कि ट्राइब द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द wavelength of sodium light which used in the Newton's ring experiment। तो आपको ये करके दिखाना है, बस जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया वही करना है। ऐसा नहीं कि आप डार्क रिंग का डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर ब्राइट का फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी डेरिवेशन कर रहे हैं, फिर आगे आप ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस आप सिंपली लिखेंगे वी नो दैट, चाहे आप ब्राइट के लिए डायमीटर ले लो या डार्क के लिए ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट रिजल्ट आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड में क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यूज्ड मीडियम बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग। अब हमें क्या करना है कि जो मीडियम है, जिस मीडियम में हमारा सेटअप रखा हुआ है, उसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हमें बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। वी नो दैट व्हेन द सेटअप इज प्लेस्ड इनटू एयर मीडियम देन द डायमीटर ऑफ द nth एंड n प्लस pth डार्क रिंग्स आर। इसने बोला है एयर मीडियम, और एयर मीडियम के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू वन। प्रीवियस न्यूटन्स रिंग का फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपलोड किया है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो अगर एयर मीडियम में हम देखते हैं तो क्या डायमीटर हमें मिलता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, nth डार्क रिंग के लिए हो जाएगा, जो भी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करते हुए लिखा है, और n प्लस pth के लिए भी ये हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा पहले किया था, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के स्क्वायर में से, देन वी गेट डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एन प्लस पी लैम्डा आर माइनस फोर एन लैम्डा आर। देन वी गेट डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पी लैम्डा आर। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड आ गई है हमारी। अब हम देखते हैं, जब हमारा सेटअप किसी अदर मीडियम में रखा जाए, इफ़ द होल सेटअप विदाउट डिस्टर्बिंग, जैसा कि हमारा एयर में रखा था वैसे ही हमने उसको उठाकर किसी अदर मीडियम में रखना है, कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ से नहीं करना है, इज प्लेस्ड इनटू ए मीडियम ऑफ म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हमने मान लिया कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम का म्यू है, देन द डायमीटर ऑफ nth एंड n प्लस pth डार्क रिंग बिकम्स। तो डायमीटर nth और n प्लस pth रिंग का क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं, डी एन डैश। हमने मान लिया कि जो नया डायमीटर है अदर मीडियम के लिए वो डैश में है, तो डी एन डैश इक्वल्स टू फोर एन लैमडा आर अपॉन म्यू स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर, जहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू एयर के लिए वन रखी थी, तो हम वहाँ पर जो प्रीवियस मैंने आपको डायमीटर बताया वो आ जाता। ठीक है, ऐसे ही n प्लस pth हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन फोर और फिफ्थ हमारे पास आ जाती है। फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ का स्क्वायर माइनस इक्वेशन फोर का स्क्वायर, देन वी गेट डी एन प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, तो इसको आप सही कर लेंगे, डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पी लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, तो देन वी गेट इक्वेशन सिक्स। अब आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही आपकी, दिस इज इक्वेशन थर्ड और दिस इज इक्वेशन सिक्स। अगर आपने राइट डाउन की होगी, आपकी नोटबुक में लिखी हुई होगी, तो आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सिक्स को कंपेयर करेंगे, या फिर हम सिंपल बोलेंगे दोनों को आपस में क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे तो देन वी गेट इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन सिक्स, देन वी गेट म्यू इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डायमीटर्स का जो डिफरेंस था फॉर द एयर फिल्म वो डिवाइड हो जाएगा डायमीटर ऑफ द डायमीटर डिफरेंस फॉर द पर्टिकुलर मीडियम जिसमें आपका सेटअप रखा हुआ है। ठीक है, आई होप म्यू की वैल्यू यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलता है, वो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। देखो जहाँ पे भी मैंने आपको नोट दिया है, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, चाहे वो 500 का नोट हो, चाहे वो 2000 का नोट हो, उस नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके उस नोट को संभाल के अपने माइंड में अच्छे से बैठा लें। ठीक है, चलिए नोट यहाँ पर भी मैंने एक आपको दिया है। इफ़ डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इन एयर डी एन का स्क्वायर ऑफ फोर एयर इक्वल्स टू 4n लैम्डा, ये हमने लिखा हुआ है। एंड डायमीटर फॉर nth डार्क रिंग इन ए मीडियम, अगर एक पर्टिकुलर मीडियम में हम देखें तो डी एन का स्क्वायर फॉर द लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो अगर हम इन दोनों को रेशो में करते हैं कन्वर्ट, देन वी गेट म्यू इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर अपॉन ए फॉर एयर अपॉन डी एन स्क्वायर फॉर द लिक्विड। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, डी एन का स्क्वायर फॉर द लिक्विड इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डी एन का स्क्वायर फॉर द एयर। ठीक है, देखते हैं। इट कंक्लूड्स दैट द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग गेट डिक्रीज्ड व्हेन द सेटअप इज प्लेस्ड फ्रॉम एयर टू द लिक्विड of refractive index mu by the factor refractive index of the medium। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करके आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेटअप आपका एयर फिल्म में रखा हुआ है, ठीक है, आपने वहाँ पर डायमीटर मेज़र किया एक रिंग का, ठीक है, अब जब उस सेटअप को आप उठाकर ले गए दूसरी जगह पर विदाउट एनी डिस्टर्बिंग इन द सेटअप, ठीक है, आपने एक दूसरे मीडियम में रख दिया और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है म्यू, तो वहाँ पर जो आप डायमीटर मेज़र करेंगे रिंग का वो क्या होगा, पहले वाले डायमीटर से रिंग की क्या होगा, छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किस फैक्टर से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फैक्टर से उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिंग का ही। अगर हमने एयर में फिफ्थ रिंग का डायमीटर निकाला है तो एक पर्टिकुलर लिक्विड में उस फिफ्थ रिंग का डायमीटर एयर वाले रिंग के डायमीटर से कम ही आएगा। क्लियर है? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और डायमीटर वहाँ पर कम हो जाएगा। अगर आपसे जनरली कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम अपने सेटअप को एयर फिल्म से या फिर एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में लेके जाते हैं और दूसरे वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर रिंग के डायमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको सीधा बताना है कि अगर डायमीटर सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा है जिसमें हम सेटअप को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उसका डायमीटर कम हो जाएगा, और अगर जिस मीडियम में हम लेके गए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो पहले वाले मीडियम में जो डायमीटर हमने मेज़र किया था उसकी वैल्यू कम होगी जो हम दूसरे में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सिंपल ही हम बोल सकते हैं अपोजिट होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डायमीटर की वैल्यू घटेगी और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी तो डायमीटर की वैल्यू बढ़ेगी। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे दोनों एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना और वेवलेंथ फाइंड आउट करना। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ये कंक्लूजन है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाउ टू गेट ब्राइट सेंटर ड्यूरिंग रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसा मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो सेटअप हमारा बनता है उसमें अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट के प्रोसेस में या फिनोमिना में सेंटर पॉइंट देखें तो हमेशा डार्क मिलता है, लेकिन अगर हम अपने सेटअप को ऐसे अरेंज करें कि हमें ब्राइट लेना है तो क्या कंडीशन वहाँ पर होगी। तो बस आपको एक लाइन ध्यान रखनी है,
देखो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका म्यू वन एयर का है म्यू, और दूसरे लेंस का है म्यू टू ग्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे अरेंज करना है या फिर ऐसे मटेरियल्स के प्लेनो कॉन्वेक्स और ग्लास और पर्टिकुलर मीडियम रखना है कि हमें ये सिचुएशन मिल जाए, म्यू वन ग्रेटर देन हो म्यू से और म्यू ग्रेटर देन हो म्यू टू से, तो देन वी गेट सेंटर पॉइंट ब्राइट ऐसे, ठीक है, अदरवाइज वी गेट सेंटर पॉइंट डार्क। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि हाउ वी गेट ब्राइट सेंटर इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो आपको केवल ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम में ये कंडीशंस लिख देनी है बस, और अगर आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर देना, अदरवाइज दो नंबर के लिए ये बहुत इनफ है, सटीक है और कम लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम लिखो लेकिन एक्यूरेट लिखो, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, न्यूटन रिंग फॉर्म बाई टू कर्व सर्फेस। नेक्स्ट है न्यूटन रिंग फॉर्म बाई टू कर्व्ड सर्फेस। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो प्लेन ग्लास प्लेट है उसकी जगह पर अगर हम दूसरे टाइप का ग्लास रखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही है, हमने टू कर्व्ड सर्फेस यानी कि दोनों जो हैं वो कर्व्ड सर्फेस अगर लेते हैं तो देखते हैं। व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है स्टार्टिंग में, इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू। अब यहाँ पर दोनों आपकी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने माना कि आर टू ग्रेटर देन है आर वन से, ठीक है, एक आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। तो यहाँ पर आर वन ग्रेटर सॉरी आर टू ग्रेटर देन आर वन है, देन वी गेट। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस ऑप्टिकल लाइन से जहाँ पर ये एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट है, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ दैट इज़ द एक्सिस या फिर ऑप्टिकल लाइन, तो यहाँ से टी जो है वो क्या मिलेगा हमको, ए बी, टी होगा आपका ए बी, ये यही तो होता है ना बीच में दोनों के गैप, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। और ए सी क्या है आपका, ए सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट लेंस, और ए बी सॉरी बी सी जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड लेंस के इफेक्ट से। तो फाइनली वी गेट टी इक्वल्स टू इन दिस सिचुएशन आर एन का स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। फिर लिखेंगे वी नो दैट द डायमीटर ऑफ द एनथ डार्क रिंग फोर रिफ्लेक्टेड लाइट इज, जैसा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है फोर एन लेमडा आर, ठीक है, दैट मीन्स एंड द पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू टू म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे ये, ठीक, देन वी गेट दिस टर्म, और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो वी गेट, क्योंकि हमें पता है कि हमें डायमीटर निकालना है, तो आर एन क्या है आपका रेडियस है, तो रेडियस को हम डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो डी एन बाई टू हो जाएगा। देन वी गेट म्यू डी एन का स्क्वायर अपॉन फोर ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू एन लैम्डा। देन फाइनली वी गेट डी एन इक्वल्स टू सॉरी डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एन लैम्डा अपॉन म्यू ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। कब, जब आपके दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस हो, उस सिचुएशन में आपका डायमीटर डार्किंग का ये आता है, ठीक है। आई होप एन्जॉय किया होगा, ये आ गया आपके डार्क के लिए, और ब्राइट के लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज फॉर द ब्राइट डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन लैम्डा अपॉन म्यू ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ, अगर हम इसको रिलेट करें अपने पहले वाले डेरिवेशन से जहाँ पर आपका प्लेन ग्लास प्लेट होती है, तो प्लेन ग्लास प्लेट में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जीरो ही तो होता है, और वो दूसरा क्या है हमारा आर टू है, तो दैट मीन्स आर टू इक्वल्स टू जीरो फोर प्लेन ग्लास प्लेट है ना, प्लेन ग्लास प्लेट जिस पे आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें आर टू की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो देन वी गेट डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू, एक मिनट में दोबारा से बता देता हूँ, आर टू की वैल्यू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जीरो पुट कर दी तो देन वी गेट डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एन लैम्डा अपॉन
म्यू और यहाँ पे बचेगा 1/r1, तो वी गेट 4n लैम्डा r1/μ और म्यू एयर के लिए 1 हो जाएगा और r1 यानी कि दूसरा वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, तो हम इसको r1 को r भी लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया था डायमीटर फॉर द डार्क रिंग, वही हमारा यहाँ पर आ रहा है 4n λr। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है कि क्या चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं एक कंडीशन और बनती है, व्हेन बोथ द लेंसेज आर प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर दोनों लेंसेज प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं तब क्या करते हैं हम, तब देखते हैं। जैसा कि आप सेटअप देख रहे होंगे, एक ये है आपका और एक आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 माना हमने, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। तो दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ पर हमने मान लिया कि रिंग जो बन रही है वो t थिकनेस पर है और ये t थिकनेस हमारी यहाँ से हो जाएगी। तो देन वी गेट t इक्वल्स टू AC। AC मतलब ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, AC यहाँ से यहाँ तक है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, AB + BC। तो दिस इज AB + BC। तो AB फॉर द फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और BC फॉर द सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन वी गेट rn² / 2r1 + rn² / 2r2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ठीक, फिर लिखेंगे देन फाइनली वी गेट द डायमीटर ऑफ द फोर्थ डार्क रिंग, सॉरी nth डार्क रिंग इक्वल्स टू dn² = 4n λ/μ ब्रैकेट 1/r1 + 1/r2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी है वैल्यू, अदरवाइज जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये t की वैल्यू फॉर द डार्क रिंग जो हमारी कंडीशन आती है 2μt = nλ वहाँ पर पुट करनी होती है। वहाँ से फिर हम rn की वैल्यू निकालते हैं, rn की जगह पर dn/2 रखते हैं, तो देन वी गेट dn² = this one। दिस इज़ फॉर द डार्क रिंग। ठीक, अब ऐसे ही हम इसके लिए ब्राइट रिंग के लिए लिख देंगे, डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग के लिए हमारा हो जाएगा dn² = 2 (2n-1)λ/μ 1/r1, यहाँ पर प्लस होगा, बाई मिस्टेक ये लिखा हुआ है, दिस इज 1/r1 + 1/r2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट व्हेन बोथ द लेंसेज आर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, आई होप दोनों एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अगर ये दोनों सिचुएशंस होती हैं तो हमें कैसे डायमीटर मिलेगा या किस फॉर्म में हमें डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अब यहाँ से 2-3 कंक्लूजन्स रिजल्ट्स निकलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा सार एक तरह से अगर हम बोलें कंक्लूजन न्यूटन्स रिंग का, फिर से मैंने आपको एक नोट दिया है, तो नोट है यहाँ पर आपके 3 नोट हैं एक साथ, तो इसका मतलब वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है इन नोट्स की। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने माइंड में सेट करके रखना है। पहला नोट क्या कहता है, एज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ग्लास प्लेट इज इंक्रीज्ड देन द ऑर्डर ऑफ द रिंग्स एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज। यानी कि अगर हम लेंस और ग्लास प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको मैं बताता हूँ आपको क्या है फंडा। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेन ग्लास प्लेट है। अगर हमने सिचुएशन कर दी ये कि इनके बीच का हम स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमने माना इस एरिया में, इतने एरिया में देखा हमने, है ना, यहाँ पर हमारी 1, 2, 3 माना 4 रिंग्स बन रही थी पहले, बट अगर हम इस सिचुएशन पे जाएंगे तो इसी एरिया में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि पहले से ज़्यादा रिंग्स उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिल जाएंगी हमको, जब दोनों लेंसेस के बीच का जो हमारा स्पेस है या डिस्टेंस है उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर रिंग्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि रिंग्स एक दूसरे के बहुत पास आ रही। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको छूट दे दी जाए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि सिचुएशन चल रही है और आपको छूट नहीं दी जा रही तो आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। जैसे ही आपको छूट दी गई
तो आप क्लोज़र एंड क्लोज़र एक दूसरे के, यानी कि भीड़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग आप भूल जाएंगे। जहाँ पर पहले 2 बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर अब 10 बंदे खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑन विच लेंस इज कैप्ड इज हाईली सिल्वर्ड देन रिंग्स ऑन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम वुड डिसअपीयर एंड ए यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज ऑब्जर्व। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेन ग्लास प्लेट है। अगर हम इस प्लेन ग्लास प्लेट को सिल्वर से पॉलिश कर दें कम्प्लीटली और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उससे हम मेज़र करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इल्यूमिनेशन अगर हम मेज़र करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इस रिफ्लेक्टेड लाइट के अकॉर्डिंग ब्राइट और डार्क रिंग नहीं मिलेंगी। अब हमें सिंपल जैसी लाइट आ रही थी वैसी लाइट हमें कंटिन्यूसली दिखाई देगी, यानी कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। सेकंड नोट का मतलब ये है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज दिस वन, इफेक्ट ऑफ यूजिंग ए लेंस ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर द डायमीटर ऑफ द रिंग्स विल बी स्मॉल। ठीक है, कैसे, डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4n λr। ठीक है, ये फॉर्मूला है फॉर द डार्क रिंग, अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट में देखना चाहते हैं, और अगर आप इसको ट्रांसमिटेड में देखना चाहते हैं तो इट्स द डायमीटर फॉर द ब्राइट रिंग। ठीक है, जैसे आप समझें, बट ये जो पॉइंट कह रहा है ये कह रहा है अगर हमने ऐसा लेंस यूज़ किया है कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ठीक है, तो उसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो लेंस ऐसा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज़्यादा है तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि डी एन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर पे, आर अगर छोटा तो डी एन छोटा, आर अगर बड़ा तो डी एन की वैल्यू भी बड़ी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने ये तीनों नोट जो मैंने पॉइंट करके लिखवाए हैं ये आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। इससे आपको सारी चीज़ें न्यूटन्स रिंग के बारे में पता चल जाती हैं जो छोटी छोटी हैं, ठीक है, और कैसे कैसे एप्लीकेशंस थी, दो अगर हम लेंसेस को चेंज कर देते हैं तो क्या कंडीशंस बनती हैं, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई। और न्यूटन्स रिंग इसी पार्ट के साथ आपका फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 99% आपका न्यूटन रिंग से डेरिवेटिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन दोनों लेक्चर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात यह है कि न्यूमेरिकल की वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बट वो भी आपकी इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड है जो फार्मूले हमने यहाँ पर प्रूफ किए। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं अगर हमें फार्मूले याद है और प्रीवियस वीडियो जो मैंने इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल पर बेस्ड अपलोड की है वो अगर आपने देखी है तो मैं गारंटी लेता हूँ न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे थ्योरेटिकल आ जाए, चाहे डेरिवेटिव आ जाए या कॉन्सेप्चुअल आ जाए, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते अगर आप इन 3 वीडियोस को देख लेंगे तो। और मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से 10 से 15 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप इन 3 वीडियोज़ को देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। ठीक है, इसके बाद मैं आपको डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का जो डेरिवेशन है वो भी मैं कराने वाला हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस में से वो 3 क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस में आया हुआ है। ठीक है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस वीडियो को भी आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।